हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB की ओर से नया और इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वह ग्रुप डी को लेकर के आप यहां देख सकते हैं CENRRC 01 2019 लेवल वन पोस्ट के लिए। आप यहां देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC मैट्रिक्स का नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर CBT। तो यहाँ पे जो है वह नोटिस दे दिया गया है CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। तो इसको पूरी जानकारी को देखते हैं। द एप्लीकेशन वर इन्वेंटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC मैट्रिक्स अंडर CEN नंबर RRC 01 2019। तो यहाँ पे जो भी है इन्वेंट इन्वाइटेड किया गया एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए वेरियस पोस्ट के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए है ये। और इसमें अगला जो है द CBT एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन CENRRC 01 2019 विल कमेंस टेंटेबली फ्रॉम 23 फरवरी 2022 इन मल्टीपल फेजेस सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन व्यूइंग ऑफ हैंडलिंग ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे जो है यह ग्रुप डी का एग्जाम होगा वह 23 फरवरी 2022 से लेकर के एग्जाम इसका हो जाएगा मल्टीपल फेजेस में, ये भी कहा गया है यहाँ पर। और इसके बाद है अगला, यहाँ पर आपको देखना है द लिंक ऑफ व्यूइंग एग्जाम डिटेल, डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी ऑफ STSE विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRBA वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस इन 10 डेज प्रायर ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ 10 दिन पहले जो है यह आपको एग्जाम सिटी और डेट जो है वह आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉलेटर विल स्टार्ट 4 डेज प्रायर टू CBT डेट मैंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इन डिमेंशन लिंक। तो यहाँ पे जो अभी एग्जाम डेट रहेगा उससे 4 दिन पहले ही आपका ई कॉलेटर डाउनलोड होगा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रिगार्ड ऑफ 485607 कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन वेर फाउंडेड रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर फॉर दोज द मोटिफिकेशन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 15/12/21 से 26/12/21 ऑन ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रिफ्रेश एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे देख सकते हैं आप 485607 कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था फोटो सिग्नेचर के लिए। तो उसके लिए जो लिंक है वो आपको 15 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के बीच में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आप वहीं पर सुधार सकते हैं, इसके बाद में आपका फिर सब कुछ सही हो जाएगा। देयर आफ्टर द डिसीजन ऑफ ऑल RRBs रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप इन द प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फाउंडेड एक्सेप्टेड विल ऑल्सो बी सेटल इन सब सिक्वेंट फेजेज ऑफ CBT एग्जाम ऑफ CENRRC 2019-01। उसके बाद में वो कैंडिडेट जिसका रिजेक्ट हुआ है वो अगर सुधार लेते हैं उसके बाद उनको भी इसी दरमियान एग्जाम ले लिया जाएगा, ये भी कहा गया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसल्ड बाय अनऑथराइज सोर्सेज। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के लिए कहा गया है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कहीं दूसरे सोर्स में नहीं जाना है। यहाँ पर है बीवर ऑफ टॉट्स हुज टाइटल यहाँ पे दिया, ये सब जो है आपको यहाँ पे किसी दूसरे तीसरे आदमी से नहीं मिलना है, आपको बस जो भी है मेरिट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8/12/21 यानी कि 8 दिसंबर 2021 का डेट है या चेयरपर्सन है RRB रिक्वायरमेंट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट। तो यहाँ पे आपको जो डेट है वो डेट है आपको 23 फरवरी 2022 जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में 10 दिन पहले आपको सिटी दिख जाएगा और आपका जो है 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 485000 से ऊपर के कैंडिडेट्स से वे लोग अपना फोटोग्राफ सिग्नेचर को सुधार सकते हैं 15 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक। तो ये तीन जो डेट है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है RRB की ओर से जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम वेरियस पेज में लेने वाले हैं। तो आप इतनी सारी जानकारी ध्यान रखेंगे, जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगे। तो यहाँ पर यही एक अपडेट है, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं।